सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी देवांशु ब्लॉग्स है। और आज हम बात करने वाले हैं लगेज पैकिंग लिस्ट के ऊपर, परफेक्ट जो क्या हो सकता है, क्या लाना चाहिए इंडिया से, वो उसी लिस्ट के ऊपर बात करने वाले वाले हैं। और जैसे मैं बता दूं, सारा स्पाइसेस, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड मेडिकल पर्पज़ से क्या आपको लाना चाहिए एंड लगेज डायमेंशन, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक देखो, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब तुम लोग दोबारा करने का मिस्टेक्स करके पूछने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट था एप्रॉन को लेकर, स्पाइसेस को, यूटेंसिल्स को लेकर, सारा चीज़ एंड बुक्स के लेकर सारा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो लास्ट तक देखो, तब तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रशिया में स्पाइसेस तो मिलते हैं बट वैसा टेस्ट नहीं रहता है इंडियन टेस्ट जैसा। लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम चाहे मेस लो या चाहे ना लो, लाना ही पड़ेगा तुमको। क्यों? अगर मेस का खाना नहीं पसंद आएगा तो फिर तुम फंस जाओगे। तो स्पाइसेस लाना ज़रूरी है। पहले इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस सुन लो क्या क्या। टर्मरिक, रेड चिली एंड गरम मसाला, मैगी मसाला, ये सब तो लेना ही लेना है। नहीं तो जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चिकन मसाला ऑप्शनल है, कोई मतलब है नहीं। और जो भी है पनीर मसाला, रेड चिली, ये सब तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और खड़ा मसाला जो भी हो सकता है तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ले लेना अच्छा खासा। यहाँ कोई भी मसाला ऐसा खड़ा गरम मसाला चाहे जो भी है, खड़ा मसाला कुछ भी नहीं मिलता है, ये सब आपको लेना पड़ेगा। चाय पत्ती ले लेना सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ चाय पीने को तुम लोग को मन कर रहे हो तो चाय पत्ती वगैरह ले लो। पापड़ वगैरह ले लो, लिचड़ पापड़ आता है, और गिट्स का पाउडर ले लो, गुलाब जामुन का भी खाने का मन किया तो। एंड यहाँ पे यार बेसन नहीं मिलता है तो बेसन सत्तू लेकर आओ, सत्तू तो जो बिहार से है वो ज़रूर लेकर आए, और अगर एक्स्ट्रा जगह रहता है तो हमारे लिए भी लेकर आए। और चना, काबली चना, जो छोले आप लोग पसंद करोगे उसके अपने अकॉर्डिंग ले लेना। और पिकल्स, अचार और घी ले लेना भाई, हम तो नहीं खाते लेकिन तुम लोग सर्वाइव करने चाहते हो रशिया में तो घी और अचार ले ही लेना, नहीं तो बाकी सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नमकीन वगैरह फालतू चीज़ें, इसलिए कि एक दिन नमकीन लेकर आओगे एक दो दिन में ख़त्म कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैं बता ही चुका खड़े गर्म मसाला के बारे में, जीरा, ब्लैक पेपर, सिनेमन, इलायची, आप अपने ऊपर है। रेड चिली तो ज़रूर लेकर आओ, कुछ नहीं तो रेड चिली ज़रूर लेके आना, पाउडर भी और खड़ा वाला भी दोनों, इसलिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई और एक्स्ट्रा मिर्ची नहीं मिलता, कैप्सिकम के अलावा कुछ और कोई से भी मिर्ची नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सब स्पाइसेस के बारे में रहा। अब बात करते हैं हम यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज़ आपको कुकर लाना ही, सबको लाना है, मैं अभी बोल रहा हूँ, जो मेस ले रहा है या नहीं ले रहा है सबको लाना है। तुम अगर फंस गए ना तो यहाँ कुकर नहीं मिलेगा, मिलता भी नहीं है रशिया में कुकर, तो कुकर जरूर लाएँ। सारा बर्तन नॉन स्टिक यहाँ पे है, ऐसे एल्युमिनियम कंपेटिबल इंडक्शन है, बट कोशिश करो नॉन स्टिक लाने के लिए। हॉस्टल में, सारे हॉस्टल में प्रोवाइड रहता है रेफ्रिजरेटर, ओवन, ये सब इंडक्शन, तो ये सब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूटेंसिल्स के अंदर ये क्या बोलते हैं, कुकर 3 लीटर का, मिनिमम 3 लीटर का कुकर एंड नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले लो तो ज़्यादा बेटर है, पतीला विथ लिड, पतीला छोटा सा आता है वो आप ले सकते हो, एंड सारे इंडक्शन बेस, एंड रोलिंग मतलब चौकी बेलना, चकला बेलना, उसको भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है आपको चकला, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो कम से कम बेलना तो ले ही लेना रोटी बनाने के लिए। और कोशिश करना कि वुडन स्पून ले लेने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो ठंडी में गर्म पानी हमेशा रखने के लिए थर्मोस्टील का बोतल ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्राई पैन ऑप्शनल है यार, देखो लो है ना लो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर भी मिल जाता है पर थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, बट अच्छी क्वालिटी का मिलता है ये कहने का मतलब, तो ले लेना। और कोई भी कर्व बेस नहीं होना चाहिए किसी बर्तन का, फिर यहाँ मुश्किल हो जाता है खाना बनाना, मुश्किल का बैठता ही नहीं है इंडक्शन पे बनाना, तो आप सारा इंडक्शन बेस होना चाहिए। तो ये था कुछ यूटेंसिल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी के बारे में।
स्टेशनरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आपके पेन है, पेन यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा है, दिखा देंगे तो वो छूट जाएंगे। जो इंडिया में लिंक लाइजर का पेन मिलता है ना, यहाँ एक लिंक लाइजर का पेन 60 रुबल में मिलता है, बट 60 रुबल में एक पेन मिलता है। तो कोशिश करो पेन अपने अकॉर्डिंग अच्छा अमाउंट का एक साल के लेकर आ जाओ। एक पैकेट ले लोगे तो चल जाएगा पूरा एक साल। कलर पेंसिल लेकर आ और कलर पेन भी ले लो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नोटबुक का बात करें तो पतला पतला क्लासमेट का आता है नोटबुक, 100 पेज या 80 पेज वाला, 5 ले लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्लासमेट का। और एक एल्बम नोटबुक जो जिस पर ड्राइंग बुक होता है ना, उस वो वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि यहाँ आपको लो तो वो भी ऑप्शनल है ड्राइंग बुक, क्योंकि यहाँ मिल जाता है। और बात करें तो कलर्स, मतलब ड्राइंग वगैरह डायग्राम बनाने के लिए, तो वो सब देख लेना, ले लेना। और बात करें बुक्स का, तो बुक्स अमन का कहना है कि बीडी चौरसिया भी लेके आने के लिए, बट मेरा कहना है कि ऑप्शनल रखो यार, क्योंकि यहाँ तुम एक साल में उसको ओपन भी नहीं कर पाओगे। और बात करें कौन सा बुक लाना है, तो देखो एक दिखाते हैं बुक, ये है प्रिप्स। और प्रिप्स हम लोग इससे अभी पढ़ते नहीं हैं, हम लोग सेपिन से यूज करते हैं, तो ये तुमको लाइब्रेरी से इशू हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छे ड्यूरेशन के लिए, मान लो 2 साल के लिए हो जाएगा। और एक बुक और जो आपको इंडिया से लाना बहुत ज़रूरी है, ये है नेटर्स एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी का उल्टा दिख रहा होगा वहाँ पे, बट नेटर लाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लाओ चाहे कोई भी बुक लाओ चाहे मतलब, नेटर्स लाना ज़रूरी है। इंद्रवीर सी ऑप्शनल है तुम्हारे कहने में बोल रहा ऑप्शनल है, तो कोशिश करो कि एक बुक लाने के लिए वो है एनाटॉमी का नेटर्स। तो बुक्स में बस एक ही बुक्स लाना है। सो गाइज अब बात करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या ज़रूरत पड़ सकता है। पहले चीज़, पहला एप्रॉन ले लेना, लॉन्ग एप्रॉन, वो अमेजन पे मिल जाएगा अवेलेबल। नहीं खोज पा रहे हो तो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। लॉन्ग एप्रन, फुल स्लीव्स होना चाहिए भाई, या नी तक आना चाहिए, है ना। और एक फोर्सेप्स ले लेना, छोटा या बड़ा ले लेना, एनाटॉमिकल लेना, सर्जिकल वाला नहीं, सर्जिकल चलेगा नहीं यहाँ पे। और मेडिकल ग्लव्स ले लेना, महंगा है थोड़ा सा, या ग्लव्स बोल लो या मास्क बोल लो, महंगा है तो ले लेना, वहाँ यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, तो वहीं से लेकर आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाने के लिए। और कोशिश करना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अपने लैपटॉप बैग में रखने के लिए, नहीं तो फंस जाओगे, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोग वहाँ से परचेज कर लेना, क्योंकि मॉस्को एयरपोर्ट पर जब आओगे तो उस चीज़ का बहुत नीड पड़ेगा। अगर तुम्हारा फ़ोन चार्ज नहीं रहा तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर ले लेना, जो जैसे तुम मॉस्को एयरपोर्ट पर पहुँचोगे अगर तुम्हारा फ़ोन डिस्चार्ज रहा तो उसको चार्ज कर लेना अपना फ़ोन उसी से। तो यूनिवर्सल अडेप्टर वो भी अमेजन पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बात आती है लैपटॉप लाऊं कि टैब लाऊं, मेरा प्रेफर, मैं यही प्रेफर करूँगा कि टैब होता है तो टैब ले लो, लैपटॉप का कोई वैसा इशू नहीं है। अगर तुम लाना चाहते हो, तुमको पसंद है तो लेकर आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बाद एक फ़ोन ले लो, फ़ोन तो लाओगे ही सही, एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेना इंडिया वाला, थोड़ा सा हेवी होता है यहाँ का, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता है। तो एक टेबल लैंप का कोई नीड नहीं है, एक स्मार्ट वॉच लेना, इसका सीक्रेट कहानी है, ले लेना स्मार्ट वॉच का। और एक आप एक ट्रिमर ले लेना आप अपने दाढ़ी उड़ी सेट करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं, जिसकी दाढ़ी नहीं आती वो छोड़ देना, कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ सैलून अवेलेबल है, कॉस्टली है, ठीक ठाक है, 400-500 में कटा लोगे वहाँ बन जाएगा। और एक वायर्ड ईयरफोन ले लेना, अगर उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। और एक ईयरबड तो लेना ही लेना है, ले लेना तुम लोग अपने, यहाँ महंगा मिलता है, नहीं तो मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा, खोजने पर मिल जाएगा, लेकिन तुम लोग फर्स्ट ईयर में रहोगे तो तुम लोग ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो वहीं से कैरी करने के लिए, इंडिया में अच्छी क्वालिटी मिलती है फ्लिपकार्ट से, वहीं से लेकर आओ। अब हम बात करेंगे मेन चीज़, क्लॉथ। क्लॉथ में क्या लेकर आना है, कपड़े में, मतलब
भाई रसिया है तो ठंडा पड़ेगा, तुम लोगों को पता ही है, मॉस्को एयरपोर्ट पे आते ही हवा उड़ जाएगा तुम्हारे, फर्स्ट 1-2 डिग्री टेम्परेचर देखोगे ना, -1-2 डिग्री हवा उड़ जाएंगे तुम्हारे, मतलब तुम्हारे दिमाग का ऐसा करंट लगेगा ना कि जैसे तुम एयरपोर्ट पे उतरोगे वैसे तुमको ठंडी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से कपड़े लेकर आना है, और वो है पहले तो देखो स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ, जीन्स वगैरह ले लेना इंडिया से ही, 2-3 पीस ले ही लेना, थर्मल वन पेयर, थर्मल ही तुमको जहाँ जान बचाएगा, नहीं तो और कोई भी कोई कितना भी कुछ भी पहन लो थर्मल रहेगा तो तुम जिंदा हो यहाँ पे। विंटर कैप ले लेना एक पेयर, और विंटर फेस मास्क जो आता है ना, मैं डाल दूंगा उसका फोटो अभी, विंटर फेस मास्क आता है वो ले लेना एक, विंटर ग्लव्स वन पेयर ये भी ले लेना, यहाँ मिल जाएगा लेकिन है कि कहाँ ढूंढोगे आते के सही, तुम वहीं से लेकर आओ तो ज़्यादा बेटर है। सॉक्स वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, मतलब ले लेना आओ तो तब ले लेना, यहाँ पर मिल जाता है वैसे वन पेयर ले लेना। शूज़ पहले सुन लो, शूज़ को लेकर शूज़ एक लाना, एक यूनिवर्सिटी का लेकर आना फ्रेश क्लीन, मतलब क्लीन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में तुमको गंदे शूज़ पहन के नहीं जाने दिए जाओगे, कि तुम ले लेना एक स्नीकर, स्नीकर टाइप का ले लेना यूनिवर्सिटी के लिए, एक शूज़ ले लेना ऐसे नॉर्मल, जैसे समर आ जाएगा ना तो तुमको तुम वो सब पहनना पसंद करोगे। क्रॉक्स भी पहन के जा सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर स्नीकर नहीं ले पा रहे तो क्रॉक्स भी पहन के जा सकते हो, तो भी बेटर ऑप्शन है अगर ले पाओ तो ठीक है। टी शर्ट भी ले लेना 2-3, सो स्नीकर भी ले लेना या क्रॉक्स ले लो, कोई एक ऑप्शनल है, कोई एक लेना चाहो तो। और बात रही शॉर्ट्स का, शॉर्ट्स भी ले लेना A1 पेयर, और बात रही टी शर्ट और शर्ट का तो दोनों 2-3 पीस ले लेना, हो जाएगा इतना में तो। यहाँ पर भी मिल जाएगा जैसे जैसे तुम रहने लगोगे यहाँ पे, सारे सस्ती मार्केट तुमको पता चल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लॉथ्स यहाँ ठीक ठाक हैं, गर्ल्स का ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, गर्ल्स के यहाँ पे सस्ती कपड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं गर्ल्स के लेकर, गर्ल्स को लेकर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा ट्रेडिशनल कपड़े भी लेकर आने हैं, कुर्ता पैजामा जो भी, जैसे तुम यहाँ दिवाली सेलिब्रेट होता है, बहुत सारे सबका अलग अलग कल्चर है, सबका अलग अलग फेस्टिवल, सबका सेलिब्रेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1-2 पीसेज रख लेना अपने ट्रेडिशनल कपड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पार्टी वियर वगैरह रखना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, तुम्हारे हॉस्टल में ही सेलिब्रेट होता है हर चीज़, तो रखना चाहो तो रख लेना। और फाइनली बैग पे आ जाते हैं, तुम्हारे लगेज का क्या डायमेंशन होना चाहिए, कितने वेट होना चाहिए, देखो जब तुम्हारी टिकट होंगी यहाँ ओरनबर्ग तक का या चाहे अपने डेस्टिनेशन तक का कहीं भी जा रहे हो, तो उसमें 23 kg का 2 बैग होगा लगेज बड़ा बड़ा, मतलब 150-160 cm का इतना मैक्सिमम, या फ्लिपकार्ट पे एक साथ 3 आता है, लार्ज एंड एक मीडियम एक एंड स्मॉल, वो तीनों ले लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो 2 बैग होगा उसमें 23-23 kg कर लेना लार्ज और स्मॉल में, मीडियम में, स्मॉल में तुम्हारा केबिन बैग हो जाएगा, तो लाइफ आसान हो जाएगा ट्रेवल करने में, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 2 बैग में 23-23 kg रहता है, एक बैग जो केबिन बैग एंड लैपटॉप बैग दोनों अलग अलग चीज़ है, जैसे मैं छोड़ दिया था केबिन बैग, मुझे पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा था तो मैं छोड़ दिया था, तो उसमें तुम केबिन बैग में 10 kg रख लेना, लैपटॉप बैग में इलेक्ट्रॉनिक्स रख लेना, वो चेक नहीं करते बट कभी चेक कर दिए तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए उसमें सारे, और कोई भी लिक्विड चीज़ लैपटॉप बैग केबिन बैग में नहीं रखना है, और शार्प चीज़ कुछ भी चीज़ ऐसा शार्प और लिक्विड चीज़ केबिन बैग में नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट जो 23 kg वाला बैग होगा लगेज बड़ा वाला उसी में रखना है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दें। जो डायमेंशन है केबिन बैग का वो अभी यहाँ पर डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, तो ज़्यादा अब कुछ है नहीं, अब सारा लगभग कंप्लीट ही हो गया है, तो खैर कोशिश कीजिए कि लास्ट तक वीडियो देखें, सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई भी अब भी कोई भी दिक्कत है किसी चीज़ में डाउट रह जाता है आप पूछ सकते हैं मेरे से, नीचे दिया गया है सारा इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, वहाँ से पूछ के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, और स्पेस बचता है 1-2 kg मेरे लिए भी कुछ बता देना सामान, मैं भी मंगा लूँगा इंडिया से, मैं भी गया नहीं हूँ इंडिया, मेरे साथ और 2 दोस्त हैं और उनका भी सामान लाना होगा, तो मैसेज कर देना, हम लोग भी कुछ मंगा लेंगे तुम लोग से। चलो आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं,
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। रात को बज रहे हैं 11, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।